क्योंकि कांग्रेस राज में नहीं तो नालों की सफाई हुई, नदी की सफाई हुई, इसी कारण हम सब मिलकर कार्यकर्ता मिलकर आज नदी की सफाई कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के राज में काफ़ी नालों के पेमेंट उठ गए, काफ़ी सफाई के पेमेंट उठ गए, उसकी जांच से हम लोग जल्दी कराएंगे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, और अभी नदी की जो सफाई की बात है उसको हम सफाई जब जल्दी हम सफाई कर लेंगे। नगर परिषद ने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली, इसलिए हम मिलकर समाज के सब लोगों ने मिलकर, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर इसकी सफाई हम करवाते हैं। अगर नगर पालिका समझती तो इतने दशा इस नदी की नहीं है, नगर परिषद की अगर सोच लेती इसकी सफाई करनी है तो काफ़ी पहले इसकी सफाई हो जाती है। ज्ञापन भी दे सकते हैं, यहाँ आज हमारे विधायक चंद्रभान सिंह जी आके के नेतृत्व में हमने इस नदी की सफाई अभियान का शुभारंभ किया। पिछले कई समय से लगातार नगर परिषद में हमने ज्ञापन भी दिया हमारे पार्षद दल के साथ, और इस नदी के जो ये तटबंध खुलाकर और ये सफाई कर दी जाए, ताकि आने वाले समय में जिस तरह पिछले कई वर्षों से यहाँ हमारे यहाँ साफ़ सुथरा ये निकट रहता था, यहाँ लोग गर्मी में नहाते थे और पानी बहता था, वो बंद हो चुका है। क्योंकि इसमें जो नाला है बाहर जाकर मिलने चाहिए थे सीवरेज के, और ये कई जगह से टूटे हुए नदी में शामिल हो गए, इसकी वजह से पानी में बदबू आ रही है, काई जमी हुई है। यहाँ पर जो गणेश चतुर्थी और नवरात्रि स्थापना पर जो मूर्तियों का इनका विसर्जन किया जाता है, उनका कचरे का भी निस्तारण नहीं हुआ था, इसलिए हम सभी ने मिलकर आज ये अभियान हाथ में लिया, और 7 दिन तक ये अभियान चलेगा, और हमारा प्रयास रहेगा कि इसको थोड़ा सा मलबा निकाल कर गहरी की जाए, ताकि ये 12 महीने तक पूरा स्वच्छ और साफ पानी इसमें भरा रहे। और हमारे MLA साहब ने भी अपील की है कि सभी समाजजन और जो भी संस्थाएं हैं वो भी इसमें आगे आए, और 7 दिन तक हम इस अभियान को चलाकर नदी को पूर्ण रूप से साफ करने का प्रयास करेंगे।